अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की वीडियो में हमने 3 ईयर्स ओल्ड गर्ल का ये कुर्ता कट किया है। इसका हम बहुत ही खूबसूरत सा नेक बनाएंगे। हम इसका प्लेकेट नेक बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने इसको कट कर लिया है। 5 इंच हमने रखा था शोल्डर, 5 इंच आर्म होल रखा है और इसको यहाँ से गोलाई कर दी है। नीचे हमने अपनी जो मेजरमेंट है उसके मुताबिक लेंथ रख ली है और विड्थ रख ली है। आप अपनी मर्जी से ये रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे निशान लगाती हूँ फ्रंट और बैक नेक के और आपको बताती हूँ प्लेकेट को हम किस तरह आसानी से बना सकते हैं। मैं 2.5 इंच पे चौड़ाई लूँगी और लंबाई के दोनों निशान मैं आपको अभी बताती हूँ। फ्रंट और बैक को अभी मैंने इकट्ठा रखा हुआ है। इसमें यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है चौड़ाई में और जो लंबाई है उसमें 1 इंच का निशान लगाया है दोनों पे। अब दोनों को यहाँ से गोलाई कर दी है। इसको मैं कट कर दूँगी और इसके बाद नीचे मैंने यहाँ पे 4 इंच का प्लेकेट रखा है। आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यहाँ से कटिंग करते हैं और यहाँ से एक कट लगाएंगे यहाँ तक। यहाँ से हमने कट कर लिया है। अब हम एक हिस्सा हटा लेंगे, ये हमारा बैक हिस्सा हो जाएगा और हम फ्रंट पे प्लेकेट की जो हमने निशान लगाया है उसको दरमियान में से कट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम कट लगा लेंगे। अब हम फ्रंट प्लेकेट के लिए पट्टियाँ काटेंगे, 2 पट्टियाँ काटेंगे बराबर, यानी उसकी चौड़ाई बराबर होगी और लंबाई भी बराबर होगी। लंबाई हमने 4 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, यानी ये 4 इंच है तो हम 5 इंच की लंबाई रखेंगे पट्टियों की। अब मैं आपको पट्टियाँ कट करना बताती हूँ। ये हमने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई 5 इंच है। अब हम इनको अपने फ्रंट जो हिस्सा है उसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ हमने दोनों पट्टियाँ लगा ली हैं। इसको हमने इस निशान तक लगाना है, यानी जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हमने सिलाई करना है। दोनों को हमने ऊपर सिलाई किया है। ये कमीज़ की फ्रंट साइड है, पट्टियों को भी हमने इस तरह रखा है और यहाँ पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं इसको आपको मोड़ने का तरीका बताऊँगी। हमने इसको सेट करके रखा है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये जो पट्टी थी इसको हमने थोड़ा सा ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा और यहाँ पर रख लिया। ये जो पट्टी थी इसको भी सेम ऐसे ही हमने अंदर मोड़ना है। एक पट्टी हमने नीचे रखी है लेफ्ट साइड वाली और जो राइट साइड वाली है उसको हम इस तरह से ऊपर करेंगे और यहाँ पे हमने थोड़े से तिरछे कट 2 लगाने होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लगाए हैं 2 कट। ये हमारा सेंटर कट था, एक हमने यहाँ लगाया कट और एक यहाँ लगाया। अब जिस तरह से हमने इनको रखा था उस तरह रखेंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको नीचे की तरफ कर देंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी सिलाई का तरीका बताती हूँ। इसको दोबारा से मैंने सेट कर लिया है। अब ये जो हमारा हिस्सा है इसके साथ साथ हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है और पीछे से भी ध्यान रखना है कि कपड़े को हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से इस तरफ लानी है सिलाई और फिर ये हटा के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। बैक साइड से जो पट्टियाँ हैं इसको जिस तरह हमने किया था सेम वैसे ही करना है, मतलब जो ऊपर रखी थी वो ऊपर रखनी है और जो नीचे रखी थी वो नीचे रख के, और यहाँ जो जब हम पहुँचेंगे तो इन पट्टियों को यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रख देना है, फिर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। हमने इसके चारों साइड पे सिलाई लगा ली है। उससे पहले मैंने इसको पिनअप कर लिया था ताकि अपनी जगह से ना हिले और जो यहाँ हमने कट लगाया था उसके साथ मैंने पीछे से पहले इसको सिलाई कर लिया था। इस तरह से हमारी जो प्लेकेट है वो रेडी हो चुकी है। आप इस तरह से बैक साइड पे भी प्लेकेट बना सकते हैं और फ्रंट पे भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको प्लेकेट बनाने का तरीका सही से आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।